दोस्तों, हम सब की चाहत होती है हमारा चेहरा खूबसूरत हो, चांद के जैसा चमकता दमकता हो, परंतु कुछ ना कुछ हमारे स्किन प्रॉब्लम हो ही जाती है, या कभी हमें मेलाज्मा हो जाता है, या फिर यंग एज में मुहासे और एक्ने के कारण हम लोग परेशान रहते हैं। जैसे ही 45 ईयर्स या और 50 ईयर के करीब होते हैं दोस्तों, तो झाइयाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, और ये पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर बिल्कुल गंदा दिखता है, हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, परंतु सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है। और इसके लिए हम लोग तरह तरह के उपचार करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं दोस्तों, और फिर भी जब तक आप लोग क्रीम लगाते हैं तब तक अच्छा रहता है, परंतु फिर से ये झाइयाँ होने लगती हैं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 3 अलग अलग रेमेडी लेकर आई हूँ। पहले बार के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस करेंगे। जिस रेमेडी का सामान आपके पास है, आप उस रेमेडी को ट्राई करें। सबसे पहले रेमेडी नंबर 1, यहाँ पर मैंने लिया है जायफल। जायफल, जिसको कि हम लोग नटमैग भी कहते हैं, खाने के स्वाद और खुशबू को बढ़ाने के साथ ही साथ नटमैग जायफल एक औषधि है, एक मेडिसिन है। कई बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों। सर्दी, खांसी, कफ में चुटकी भर जायफल का पाउडर आप बच्चों को चटा दें, दूध के साथ, शहद के साथ, छाती में जमा हुआ कफ, बलगम की प्रॉब्लम दूर होगी। उसी तरह से झाइयों को, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए जायफल का पेस्ट एक रामबाण नुस्खा है। तो आपको एक जायफल लेना है, कच्चा दूध लिया है और एक पत्थर की चौकी ली है। इसमें आपको जायफल को घिसना है ताकि जायफल का पेस्ट तैयार हो जाए। इस पेस्ट को आपको वहां लगाना है जहां पर मेलाज्मा है। झाइयाँ, पिगमेंटेशन दोस्तों ज़्यादातर उस जगह पर होता है, दोनों गाल पर हो जाता है, नाक पर हो जाता है, होठों के ऊपर या हमारी आईब्रोज के ऊपर हो जाता है, और हमें बड़ा ख़राब लगता है दोस्तों। हमारे स्किन का रंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, और कई बार तो ये इतना गहरे रंग का हो जाता है कि अलग से दिखाई देता है। सब लोग पूछते हैं, अरे क्या हो गया चेहरे पर। आप जायफल का पेस्ट कुछ दिनों तक लगाएं, आधा घंटा लगा कर रखें, फिर साफ पानी से धो लें, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। पिगमेंटेशन 2 तरह का होता है, एक होता है हाइपोपिगमेंटेशन, एक होता है हाइपरपिगमेंटेशन। हाइपोपिगमेंटेशन में हमारे स्किन में लाइट कलर के दाग पड़ते हैं, थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से पैचेस पड़ जाते हैं गाल पर, नाक पर, चिन पर। फीमेल को ज़्यादा होता है पिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन में हमारे स्किन में जो पैचेस पड़ते हैं, धब्बे पड़ते हैं ना, गहरे रंग के होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं। हम इसे चाहे कितना भी मेकअप कर लें, हम इसे छुपा नहीं पाते हैं। पिगमेंटेशन होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा कारण है मेनोपॉज। मेनोपॉज के समय, खासकर 45 ईयर के बाद, मेलाज्मा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब मेनोपॉज का टाइम आता है। अगला कारण जो है प्रेगनेंसी में भी बहुत से लोगों को हो जाता है, कई लोगों को PCOD में होता है, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो आपको जायफल के पेस्ट को अपने पूरे गाल पर लगाना है, नाक पर लगाना है, जहाँ जहाँ मेलाज्मा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, और ये बहुत आसानी से क्योर हो जाती है। परंतु यदि आप अपने स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये वापस भी हो जाता है, मेलाज्मा दोबारा फिर से हो जाता है। बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं। यदि आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, मस्ट है दोस्तों। सन की यूवी रेस के कारण भी कई बार हमारे चेहरे पर डार्क पैचेस पड़ जाते हैं। सनस्क्रीन जरूर लगाएं, चेहरे को कवर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, थोड़े से हेल्दी फूड जरूर खाएं। जिन्हें थायराइड रहता है उन्हें भी हो जाता है, नींद अच्छी नहीं होती, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनके चेहरे पर भी ये धब्बे हो जाते हैं। और कोई डर की बात नहीं है, आपको इस पेस्ट को सप्ताह में कम से कम 3 बार लगाना है। 1 सप्ताह में आप फर्क महसूस करेंगे, आप इसे आसानी से क्योर कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी जो है यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी। अगर आपके पास हल्दी का पाउडर, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, अच्छी शुद्ध हल्दी है, ले सकते हैं। कई बार हमारे हल्दी के पाउडर में मिलावट रहती है, इसलिए मैं हमेशा गठान वाली हल्दी लेना पसंद करती हूँ। यदि आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप यहाँ पर कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कच्ची हल्दी हमें पूरे समय नहीं मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर गठान वाली हल्दी का इस्तेमाल किया है। आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में यह सूखी ड्राई हल्दी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पानी डाला है और पत्थर की चौकी ली है। इस पत्थर की चौकी में मैं हल्दी को इस तरह से घिस रही हूँ और ये बन गया शुद्ध हल्दी का पेस्ट। इस हल्दी के पेस्ट को आपको अपने मेलाज्मा पर लगाना है दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं हल्दी में, और जो हल्दी होती है दोस्तों,
ये हमारे रंग को गोरा करती है, हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करती है टर्मरिक। ये हल्दी का पेस्ट हमारे पिगमेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, इसके अलावा आप लोग थोड़ा अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, उससे भी हम आसानी से मेलाज़मा को क्योर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें अगली चीज़ जो कि अब आपको डालना है, नारियल का तेल, एक चम्मच नारियल का तेल। नारियल तेल में ये एक चीज़ मिलाकर चेहरे पर लगा लें, 100% झाइयाँ जड़ से समाप्त होंगी। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। नारियल के तेल में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्किन से ड्राइनेस को दूर करके हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। और जब नारियल तेल में हल्दी मिलाकर लगाते हैं तो ये झाइयों की एक रामबाण दवा है। इस पेस्ट को, नारियल तेल और हल्दी के इस पेस्ट को आपको रात भर लगा कर रखना है। पूरे मेलाज़मा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पर लगाइए। मैंने आपको दोनों गाल पर, अपने नाक पर लगाकर दिखाया है दोस्तों। हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं। ये देखिए, ध्यान नहीं रखेंगे तो वापस मेलाज़मा हो जाता है। धूप में जाने से पहले मैं खुद भी सनस्क्रीन लगाने लगी हूँ। मुझे भी 50 ईयर के बाद मेलाज़मा हो गया था और मैंने ऐसे ही क्योर किया है, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत गहरे रंग का था जो कि अब बिल्कुल ही लाइट हो चुका है, तो इस तरह से ध्यान रखें। आपको ऐसा लगता है कि अरे हमारे कपड़े गंदे होंगे, रात भर लगाना है, आप चाहें तो एक टिश्यू पेपर या सूती कपड़े से हल्का सा सोते समय पोंछ लें, आधे घंटे के बाद सोते समय पोंछ लें। धोना नहीं है, साबुन से नहीं धोना है, रात भर नारियल तेल की नमी बने रहने दें, एक सप्ताह में मेलाज़मा गायब हो जाएगा। रेमेडी नंबर जो अगली है दोस्तों, जो आज आपके लिए बहुत सी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर ज़रा भी पसंद आए तो। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए हर चीज़ें जो खुद के साथ हुई है वही शेयर किया है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नींबू लिया है, लेमन क्या करता है, विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी सीरम मेलाज़मा को दूर करने के लिए अपने आप में ही बहुत बेनिफिशियल होता है। नींबू का रस लेना है, कुछ बूंदें आपको, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, माइल्ड एसिड होता है नींबू के रस में, डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, थोड़ा डाइल्यूट करके ही लगाते हैं। नींबू का रस और थोड़ा सा मिलाना है इसमें फिटकरी का पाउडर, फिटकरी जिसे कि हम लोग एलम भी कहते हैं, हम सभी के घर पर होती है ज़्यादातर। पहले लोग क्या करते थे, आफ्टर शेव के बाद फिटकरी को घिसते थे चेहरे पर, कहीं कट चोट है या कोई दाग धब्बा है वो दूर होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए भी हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा टुकड़ा लिया है एलम का, जिसे इस तरह से इमाम दस्ते में डालकर कूट कर पाउडर बना लिया है। थोड़ा और फाइन पाउडर बनाएंगे अभी, अभी मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीसा है, देखिए अभी बना के दिखाती हूँ। तो फिटकरी का पाउडर लेना है आधी छोटी चम्मच, इसमें मिलाना है कुछ बूंदे नींबू के रस की, आधा चम्मच पानी। पेस्ट को लें, मेलाज़मा की जगह पर लगाएं, लगाकर आधे घंटे रखें, फिर चेहरे को धो लें, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। दिन में दो बार लगाएं आप, आपका मेलाज़मा गायब होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल